भारत की नहाते हैं रोज सुबह, लेकिन चीनी जापानी करते हैं उल्टा। साइंस क्या कहती है कि कब नहाए? यूरोप और अमेरिकी लोग आमतौर पर सुबह बाथ लेकर ऑफिस निकलना पसंद करते हैं। भारत में सुबह नहाने की आदत है, लेकिन चीनी, जापानी और कोरियाई लोग शाम या रात को नहाते हैं। ऐसा क्यों है? वैसे साइंस किस समय पर नहाने को बेहतर मानती है दोस्तों? साइंस कहती है कि रात में नहाना शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। जापानी और चाइनीज़ कहते हैं कि रात में नहाने से दिन भर की गंदगी अलावा शरीर के संपर्क में आई बुरी शक्तियों को दूर करते हैं। यूरोपियन देशों और अमेरिका में लोग सुबह नहाने के बाद ऑफिस के लिए निकलते हैं। क्या होते हैं रात और सुबह नहाने के फायदे? दोनों का क्या होता है अलग अलग महत्व? भारतीय लोग प्राचीन समय में सुबह के समय नहाने को बेहतर मानते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत वो इसलिए नहाने से करते हैं और इसके बाद अपने दिन को शुरू करते हैं। इसके पीछे धार्मिक विश्वास और परंपराएं भी है, लेकिन एशिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं है, खासकर चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में, जहां लोग रात में नहाते हैं। और इसकी खास वजह भी है, जापान में रात में नहाने की आदत उनकी प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। माना जाता है कि रात का स्नान दिन के दौरान शरीर पर जमा विषाक्त पदार्थों को गंदगी से छुटकारा पाने में मदद करता है, जिससे आराम भी मिलता है। दक्षिण कोरिया में भी लोग अक्सर लंबे समय तक काम करने के बाद आराम करने के लिए रात में स्नान करना पसंद करते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसी पश्चिमी संस्कृतियाँ पारंपरिक रूप से तरोताज़ा होने और दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह शॉवर लेना नहाना पसंद करते हैं दोस्तों। चीनी लोग भी रात में नहाते हैं। चीनी संस्कृति में रात में स्नान करना दैनिक स्वच्छता जरूरी हिस्सा माना जाता है। वहाँ माना जाता है कि रात का स्नान दिन के बाहरी दुनिया में निकलने पर मिली तमाम नकारात्मक शक्तियों के साथ तनाव को दूर करता है। साथ ही शरीर में तरोताजा के कारण रात में आरामदायक नींद भी है दोस्तों। चीन में हमेशा से रात में सोने से पहले नहाने की परंपरा रही है। वैसे चीन की जलवायु अधिक आर्द्र और उष्णकटिबंधीय दोस्तों, इसलिए उस वजह से वहाँ लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है। इससे त्वचा पर बैक्टीरिया आ रहे सकते हैं दोस्तों। नहाने से न केवल शरीर के साफ रखने में मदद मिलती है, बल्कि संक्रमण को फैलने में रोकने में भी मदद मिलती है। चीन के लोग मानते हैं कि रात में नहाने से न केवल बेहतर नींद आती है, बल्कि स्वास्थ्य और उत्पादकता में भी सुधार होता है। चीन की जलवायु अधिक आर्द्र और उष्णकटिबंधीय होती है, जिसकी वजह से वहाँ लोगों को अधिक पसीना आता है, इसलिए त्वचा पर बैक्टीरिया आ जाते हैं दोस्तों। नहाने से न केवल शरीर को साफ रखते हैं, बल्कि संक्रमण से रोकने में भी सफल मिलती है दोस्तों। जापानी लोग सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं दोस्तों।